दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर लव जिहाद पर फतवा जारी किया गया है। आला हजरत की संस्था दारुल इफ्ता ने फतवा जारी किया है। फतवे में लव जिहाद को नाजायज बताया गया है। गैर मजहब की लड़की का मजहब बदलवाना नाजायज है। लव जिहाद पश्चिमी संस्कृति से आया है। लव जिहाद का मामला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है और वहीं बरेली में इस ज्वलंत मुद्दे पर सूबे का पहला मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इसी बीच आपको बता दें, सुनी बरेली मस्तक की सबसे बड़ी दरगाह आला हजरत की संस्था दारुल इफ्ता ने लव जिहाद के संबंध में एक फतवा जारी किया है जहां गैर मजहब की लड़की का मजहब बदलवाना नाजायज बताया गया है। साथ ही लव जिहाद को पश्चिमी संस्कृति से आया हुआ बताया गया है। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना इंतजार अहमद कादरी ने उलेमाओं से पूछा था कि क्या कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए फरेब या छल करके उसका मजहब बदलवा सकता है, क्या शरीयत में लव जिहाद का जिक्र है। इस बात का जवाब दारुल इफ्ता के अध्यक्ष मुफ्ती रजवी ने इस्लाम की रोशनी में जवाब देते हुए ये फतवा जारी करके कहा है। फतवे पर रजवी के साथ मौलाना असलान खा अजहरी ने भी शरीयत हुक्म पर रोशनी डालते हुए लव जिहाद को नाजायज बताया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे भी मनोहर का, बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फतवे में लव जिहाद को नाजायज बताया गया है भीम, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? आपको बताना चाहूंगा कि बरेली की जो सुन्नी मतलब की सबसे बड़ी दरगाह आला हजरत है, वहाँ से एक फतवा जारी हुआ है। फतवे में कहा गया है कि गैर धर्म की युवती का धर्म परिवर्तन कराना नाजायज है, और ऐसे में आप ये लगा लीजिए कि दरगाह आला हजरत मानने वालों की संख्या करोड़ों में है, ऐसे में एक बड़ा मैसेज जाएगा और लव जिहाद जैसे मामलों पर भी रोक लग सकेगी। जी, लव जिहाद को लेकर देखिए, पूरे देश में ये कई ऐसे धर्मांतरण कर लड़कियों को फंसा कर और कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिस पर खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जल्द से जल्द कानून लाने की बात बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की है, और भी कई अगर राज्यों को आप देखिए, मध्य प्रदेश की भी बात की जाए तो लव जिहाद को लेकर सख्त रुख होता है। लेकिन इसी बीच फतवे में लव जिहाद को नाजायज बताना क्या दर्शाता है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से देश की कई सरकारें हैं जो लव जिहाद को गंभीरता से ले रही हैं और मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद चिंता भी होती है, माहौल खराब होता है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं बनाना भी सरकार को मुश्किल होती है। लेकिन अब जिस तरीके से फतवा जारी हुआ है, उस फतवे को लेकर हम ये कह सकते हैं कि एक सकारात्मक पहल हुई है, जहाँ से फतवा जारी हुआ है, और तमाम मुस्लिम हैं जो आला हजरत को मानते हैं या फिर इस्लाम में विश्वास रखते हैं, वो इस फतवे को मानेंगे और लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लग सकेगी। जी चलिए, तो एक लव जिहाद का जो मामला सामने आया था और ये बरेली से आपको जानकारी दे रहे हैं हम, और इस पूरी इस मामले पर रोशनी डालते हुए लव जिहाद को नाजायज बताया गया है, फतवा जारी किया गया है। बरेली से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको अपडेट कर दें कि लव जिहाद पर फतवा जारी किया गया है। आला हजरत की संस्था दारुल इफ्ता ने यह फतवा जारी किया है। फतवे में लव जिहाद को नाजायज बताया गया है। किसी गैर मुस्लिम लड़की, तो गैर मुस्लिम लड़की धोखा दही फरेब मकर छल के साथ में तो मुस्लिम लड़की से भी निकाह नहीं हो सकता है बगैर उसकी रजामंदी के, और रजा और रगबत के साथ में है तो इस्लाम इसकी इजाजत देता है, हमारा संविधान भी इसकी इजाजत देता है। और एक सवाल ये था कि जिन लोगों ने अपना मकसद हासिल करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस्लाम का मिसयूज किया, इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया, तो इसके इसका जवाब भी है कि ऐसे लोगों के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है और ऐसे लोगों को इस्लाम स्वीकार नहीं करता है।